हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेलेनियम वीवीआई ऑटोमेशन सीरीज। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एक्शंस क्लास इन सेलेनियम। एक्शंस क्लास जो होते हैं आपके वो माउस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पे आप वेब पेज पे या किसी वेब पेज पे आप राइट क्लिक करते हो, या फिर आप डबल क्लिक करते हो, या फिर आप ड्रैग करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, किसी माउस को होवर करते हो, या फिर स्लाइडर को आप वर्टिकली मूव करते हो, हॉरिजॉन्टली मूव करते हो। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं ये माउस रिलेटेड ऑपरेशंस, ये सारे एक्शंस क्लास में आते हैं ये सेलेनियम के। तो इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। दिस वुड बी अ कंप्लीट होल सीरीज, जिसमें आपके पास 5 to 6 वीडियोज होंगी। इसमें सब पे मैं जो होगा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, अगर जितना होगा मगर आपको उतना समझ आ जाएगा एक्शंस क्लास बेसिकली होती क्या है, किस लिए यूज़ होती है, राइट। तो मैं एक बार आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है एक, आज हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जो टेस्टिंग करने वाले एक्शन क्लास की। लेट्स से मुझे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे माउस होवर करते हो किसी पे भी, ये आपके जो है ड्रॉप डाउन जो अगर आप देख रहे हो, ये आपके पास एक लिस्ट अपीयर हो रही है। अगर आप इस पर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद अगर आप इस पर होवर करोगे तो आपके पास एक दूसरी लिस्ट अपीयर हो रही है, राइट। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही आप माउस होवर कर रहे हो तो आपके पास एक लिस्ट अपीयर हो रही है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसी में से किसी एक को पकड़ने वाले हैं, किसी एक को इसमें मूव टू एलिमेंट में आज हम वर्क करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, और इसमें होवर करेंगे। सबसे पहले हम होवर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम एग्जांपल रखेंगे। लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं, फैशन में आते हैं। फैशन में आने के बाद फैशन पे हमने होवर किया माउस। होवर करने के बाद हम जो होगा माउस जो होवर करेंगे यहाँ पे, लेट्स से हम इसमें वुमन एथनिक पे माउस लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम जो होगा वुमन साड़ीज पे जो होगा माउस लेके आने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऐसे, राइट। ये हमारा जो होगा एक्शंस क्लास का ऑपरेशन होगा। अगर आपको सेलेनियम में देखना है एक्शंस क्लास में क्या क्या मेथड होते हैं इसके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्शंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास है यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड, उसके बाद आपके पास क्लिक कॉन्टेक्स्ट मीन्स इट मीन्स होता है राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, मतलब कितना आपको उसमें पिक्सल्स ड्रैग ड्रॉप करने होते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, की डाउन की आप मूव बाय ऑफसेट, दिस इज मूव टू एलिमेंट, जो इस पर होवर करते हो बेसिकली आपका ये मूव टू एलिमेंट होता है, इस पर आ रहे हो मूव टू एलिमेंट, ये आपका होवर करना मूव टू एलिमेंट परफॉर्म, ये आपका जो होता है मेथड होता है। एंड रिलीज आपका माउस, जब आप माउस को क्लिक करके रखते हो फिर आप उसको रिलीज़ करते हो, राइट। तो ये सारे हम जो मेथड देखने वाले हैं सारे इसमें एक्शंस क्लास के, और इसमें लगभग 5 to 6 वीडियोज होंगी आपकी इसमें आने वाले टाइम में, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टूल्स में आना होगा रेफरेंस में, और आपको इसमें सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सब एक्शंस क्लास, सबसे पहले हम पढ़ने वाले इसमें मूव टू एलिमेंट, यानी बेसिकली जब आप किसी एलिमेंट पे होवर करते हो अपने माउस से तो हम पढ़ने वाले हैं अभी, राइट। तो सबसे पहले मैं एक अपने क्रोम ड्राइवर के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई क्रोम, सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर, सेट माई क्रोम इज इक्वल टू न्यू सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर, राइट। अब उसके बाद मैं इसको बोला माई क्रोम डॉट स्टार्ट, माई क्रोम डॉट गेट, गेट में आप यहाँ पे URL होगा ये पास कर दीजिए, राइट। और उसके बाद माई क्रोम डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज कर दीजिए,
उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बोलूँगा उसको वेट करने को, माइक्रोम डॉट वेट फॉर 200 मिली सेकेंड। सबसे पहले मैंने आपको बताया हम फैशन के आइकन पे है, फैशन जो है फैशन पे हम होवर करेंगे, राइट। तो फैशन पे पहले होवर करेंगे, फिर उसके बाद हम वुमेन एथनिक पे होवर करेंगे, फिर वुमेन साड़ी पे, राइट। तो ये जो हमारे हैं वेब एलिमेंट हैं, तो इनके लिए मैं एक वेरिएबल्स ले रहा हूँ, इन तीनों के लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, डिम फैशन एज सिलीनियम डॉट वेब एलिमेंट, राइट। डिम दूसरा हमारा है वुमेन एथनिक, वुमेन अंडरस्कोर एथनिक एज सिलीनियम डॉट वेब एलिमेंट, कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल जे, वेब एलिमेंट। देन वी हैव डिम वुमेन साड़ीज एज सिलीनियम डॉट वेब एलिमेंट, राइट। तो हमें अब इनके जो है एलिमेंट्स हमको पता करने हैं, एलिमेंट्स पता करने के बाद हम जो होगा फिर होवर करेंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट्स पता करेंगे, फिर होवर करेंगे, थर्ड वाले का एलिमेंट जो होगा फिर हम उस पर होवर करेंगे, राइट। सबसे पहले हमें फैशन के एलिमेंट देखना है, इसमें डोम में आते हम राइट क्लिक किया हमने, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक करोगे ये बेसिकली ये डिव टैग के अंदर आ रहा है फैशन, फैशन आपका जो है ये आपका टेक्स्ट है ये, तो आपको जो है फैशन पकड़ना है इसमें, राइट। तो क्लास आपकी XTXMA है और इसमें जो टेक्स्ट है आपका बेसिकली ये फैशन है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल एफ, डिव के अंदर आएंगे हम, डिव सॉरी डबल फॉरवर्ड स्लैश, हमने बोला इसमें डिव एट द रेट क्लास इज इक्वल टू, राइट। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे, नीचे में आने के बाद एक सेकेंड, क्लास ये आपकी होगी, क्लास के अंदर आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट वो आपका फैशन है, तो इसमें क्या करना होगा आपको यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए, टेक्स्ट इज इक्वल टू फैशन, राइट। अगर आप इस पे देखोगे तो बेसिकली आपका ये 101 है, कॉपी कीजिए, हमने बोला सेट फैशन इज इक्वल टू माई क्रोम डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, राइट। ये आपने कर लिया और उसके बाद आपको एक्स पाथ पे आपके आपने फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद आपको इसमें फैशन पहना होगा, फिर आपको फैशन पे होवर करना होगा, तो उसके लिए क्या होता है माई क्रोम डॉट एक्शंस जो हमारी इसमें क्लास है इसकी डॉट, उस पर आप चेक करोगे यहाँ पे मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट क्या एलिमेंट जो आपने दिया है फैशन का, राइट। फैशन डॉट परफॉर्म, परफॉर्म मीन्स एक मेथड है आपको वहाँ पे जो है कर्सर लेके जाना है, दिस विल टेक योर कर्सर, कर्सर टू फैशन, राइट। अब उसके बाद है हमारा वुमन एथनिक, इस पर राइट, इस पर आइए राइट क्लिक इंस्ट्रक्ट एलिमेंट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आएंगे गायब हो जाएगा, राइट। तो आपको थोड़ा इस पर होवर करना है, राइट क्लिक वुमन एथनिक पे, ये आपका बेसिकली एंकर टैग है, एंकर टैग में अगर आप इसके अंदर आओगे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट दे रखा है वुमन एथनिक, एंकर टैग के अंदर वुमन एथनिक, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे सिंपली एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट आपका वुमन एथनिक है आप इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल एफ, ये एंकर टैग टेक्स्ट है आपका ये इक्वल टू वुमन एथनिक, राइट। 101 आ गया आपका, इसको आप कॉपी कर लीजिए, सेट वुमन एथनिक इज इक्वल टू
micron dot find element by x path, राइट ये आपने इसमें इसको डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद आपको सेम करना होगा वहाँ पे होवर करने के लिए माइक्रोन डॉट एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट वुमन एथनिक में आपको जाना होगा डॉट परफॉर्म परफॉर्म पे आ जाओ। दिस विल होवर ओवर वुमेन एथनिक राइट। अब सिमिलरली हमें इसको वुमेन साइज पे करना होगा तो बेसिकली यहाँ पे आना होगा यहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट राइट ये आपका है वुमेन साड़ीज सेम आपका वैसे ही है वुमेन साड़ीज के अब कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे होगा इसको चेंज कर दीजिए 1 1 राइट। इसको आपने कॉपी किया आपने बोला सेट वुमेन साड़ीज इज इक्वल टू माइक्रोन डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ राइट माइक्रोन डॉट एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट वुमेन साड़ीज ऑफकोर्स वुमेन साड़ीज डॉट परफॉर्म। अभी बेसिकली क्या करेगा ये इसमें बेसिकली अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये क्या होगा बेसिकली आपका माउस यहाँ पे होवर करेगा ये राइट ऐसे आएगा फिर यहाँ जाएगा माउस फिर यहाँ जाएगा इस पर क्लिक नहीं करेगा। अगर आपको दोनों एक्शन परफॉर्म करने हैं तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा यहाँ पे परफॉर्म से पहले आपको डॉट क्लिक डॉट परफॉर्म यूज़ करना होगा राइट। इसमें हम दो ऑपरेशन करेंगे माउस ओवर प्लस क्लिक इसमें हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए मैं इसमें आपको वन बाय वन दिखाना चाहता हूँ तो मैं अभी थोड़ा वेट लगा देता हूँ माइक्रोम डॉट वेट 3 सेकंड का लगा देता हूँ मैं यहाँ पे भी माइक्रोम डॉट वेट 3 सेकंड का राइट। तो हम इसको जो है रन करते हैं इसको रन किया तो आपके पास ये विंडो आ गया ये इसको पहले आपको क्रॉस करना होगा लेट्स से इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट ये एक और प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने आगे बेसिकली आपका बटन टैग है बटन टैग में आपके पास ये क्लास है ठीक है बटन टैग में ये क्लास है कंट्रोल एफ बटन टैग एट द रेट क्लास इज इक्वल टू बटन नॉट्स बटन राइट। इसको आपको पहले क्लिक करना होगा देखा एरर दे रहा था आपको ये जब आप इसको लोड करते हो मैक्सिमाइज के बाद क्लिक ऑन क्रॉस आइकन माइक्रोन डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ डॉट क्लिक राइट। Now let me run this. मैंने इस पर क्लिक किया Yes, it has click and click on the woman size. Like boom. Right guys. इसने क्या किया मैं आपको वन बाय वन ले चलता हूँ मैं इसको यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया राइट आपको पता चलना चाहिए कैसा काम कर रही है। लेट्स से मैं इस पर यहाँ पे आता हूँ दोबारा इस पर आया आने के बाद अभी क्या करेगा वुमन एथनिक पे होवर करेगा
होवर किया, उसके बाद वुमेन साइड पे होवर एंड क्लिक, राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप बी एस एफ एक्शन एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसका भी अल्टरनेट है, मगर उसको वो तभी पॉसिबल है जब आपके ये जितने भी आपने यहाँ पे एलिमेंट डिक्लेयर किए हैं वो सारे अगर डॉम में अपडेट हो जाए, यानी डॉम में लोड हो जाए एक साथ में। मान लीजिए जब आप इस पर होवर कर रहे हो, होवर करने के बाद ये लोड हो रहे हैं एलिमेंट्स, ये जो जितने भी आ रहे हैं, राइट, वुमेन एथनिक्स के एलिमेंट जो यहाँ पे आ रहे हैं ये वाले सारे, ये इसको होवर करने के बाद आ रहे हैं, तो ये बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें होवर नहीं ऑन एट द टाइम होवर नहीं हो पा रहा है, यानी एट द टाइम जो है प्री लोड नहीं हो पा रहा है डॉम में। तो अगर आप इसको वन लाइन में अगर आप करना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ वन लाइन में भी कैसे हो जाता है ये, मगर ये जनरली वर्क नहीं करेगा इस वाली वेबसाइट पर, क्योंकि बॉडी डायनेमिक है ये, और ये ऑन लोड पर ही आपका होवर होता है, आई मीन जब ये ऑन लोड होगा प्रॉपरली तभी आप इस पर होवर कर पाओगे। कहने का मतलब ये है जब आपके डॉम में सारे एलिमेंट्स जो होंगे लोडेड हो जाएंगे, ये लोड तब हो रहे हैं जब आप उनको होवर कर रहे हो, तो बेसिकली एक तरह का डायनेमिक है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लेट्स से हमारे पास एक और वेबसाइट है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, एक और इस वेबसाइट पर हम टेस्टिंग करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं शॉप बाय कैटेगरी, शॉप बाय पर्सन, एंड वी विल क्लिक ऑन यूनिकॉर्न क्रेजी, राइट, हम इस पर जो है क्लिक करेंगे सिर्फ सिंगल मेथड से, सिंगल मेथड, फर्स्ट यहाँ पे आएंगे मूव टू एलिमेंट, देन मूव टू एलिमेंट, देन मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट एंड क्लिक, एक ही लाइन का कोड होगा, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। आपका सेकंड एग्जांपल होगा ये, राइट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, वेबसाइट है हमारी ये वाली रहेगी, राइट, एंड उसके बाद मैं हम यहाँ पे शॉप बाय कैटेगरी होगा, देन शॉप बाय पर्सन, देन यूनिकॉर्न क्रेजी, मैं इसके लिए तीन वेब एलिमेंट्स लेता हूँ, डिम, शॉप बाय कैटेगरी एज वेब एलिमेंट, डिम शॉप अंडरस्कोर बाय पर्सन एज वेब एलिमेंट, डिम शॉप अंडरस्कोर बाय, और सॉरी इसमें है हमारा, लेट मी चेक इट, यूनिकॉर्न क्रेजी, राइट, एज वेब एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इनको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, शॉप बाय कैटेगरी को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट पे आइए, इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ये एंकर टैग है, एंकर टैग में आपका जो टेक्स्ट है आप इसको पकड़ लीजिए ये, क्योंकि आपका ये यूनिक है, ये शॉप बाय कैटेगरी आपका यहाँ पे यूनिक टेक्स्ट है ये। अगर आप इस पर यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, आप चेक करोगे, आप उसके आजू बाजू जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेक्टेंगल, ब्लू रेक्टेंगल, दीज आर ट्रेलिंग स्पेसेस एंड लीडिंग स्पेसेस, सो हमें इसको बेसिकली हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे पास जो एक एक्स पाथ में जो एक हमारे पास इसका फंक्शन होता है नॉर्मलाइज स्पेस का, वो भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे वाले, अभी जो हमारे दो एलिमेंट्स हो रहे हैं इन पर दिखाऊंगा। तो अगर मैं मुझे इसका एक्स पाथ जो डिक्लेयर करना होगा, बेसिकली आपका ये एंकर टैग है, राइट, एंकर टैग में अगर आप इसमें यहाँ पर देखोगे तो आपका ये शॉप बाय कैटेगरी है, ये आपका डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप इसको एक काम कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, डेटा ड्रॉप डाउन रिलेट, कंट्रोल एफ एट द रेट डेटा ड्रॉप डाउन डैश वेल सॉरी
is equal to, राइट ये आ गया आपका। अगर आप इस पर एंटर मार बोले तो आपका ऑब्वियसली ये 1 ही 1 दिखा रहा है। ये आप कॉपी कर लीजिए इसके। कॉपी करने के बाद हम बोलिए सेट शॉप बाय कैटेगरी इज इक्वल टू माइक्रोन डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, राइट। और इसके बाद आपको यहाँ पे जब आप इस पर होवर करोगे, अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये एलिमेंट आपका ये गायब नहीं हो रहा है, या ये सारे एलिमेंट्स आपके प्री लोडेड हैं। राइट क्लिक किया, होवर किया, या फिर आप इस पर आए, इस पर क्लिक किया, तो आपके एलिमेंट्स ये गायब नहीं हो रहे हैं। जनरली आप इस पर आते हो, राइट क्लिक करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, अगर आप इसको दोबारा होवर करके ले आते हो तो गायब हो जा रहे हैं। तो बेसिकली ये डायनेमिक है, प्री लोडेड नहीं हो रहा है, यह आपका ऑलरेडी प्री लोडेड है, राइट। इसमें आपको आना है शॉप बाय पर्सन पे, राइट क्लिक। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसका, ये भी एंकर टैग है आपका, ये शॉप बाय पर्सन, राइट। इसमें आप चेक करोगे यहाँ पे काफ़ी सारे इसमें लीडिंग स्पेसेस एंड ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, तो इसको हम मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने कॉपी कर लिया टैक्स, कंट्रोल एफ कीजिए यहाँ पे, डबल फोर स्लैश एंकर टैग है आपका। ये एंकर टैग के अंदर आपके पास ऑफकोर्स आपके पास एक नॉर्मलाइज स्पेस इन एक्स पाथ। अगर आप चेक करोगे बेसिकली क्या करता है, इग्नोर ऑल रिडंडेंट स्पेसेस इन टारगेट स्ट्रिंग, यानी जितने भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं वो उसका हटा देता है वो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नॉर्मलाइज इसमें जो एस होगा, एस नहीं है उसकी जगह जेड है, नॉर्मलाइज, उसके बाद आप यहाँ पे हाइफन दीजिए, फिर आप बोलिए स्पेस, ये आपका जो आपने टेक्स्ट लिया उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसके बाद जितने भी यहाँ पे ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस हैं उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, राइट, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। दिस इज द ओनली वे, स्क्वायर ब्रैकेट, आपको यहाँ पे 2 दिखा रहा, राइट। ये आपका जो सिलेक्ट होगा ये बेसिकली आपका ये सेकंड वाला सिलेक्ट हो रहा है, सेकंड वाला, सेकंड ऑफ सेकंड जो है आपका ये सिलेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, इसको आपको पैरेंथेसिस में लेना है, ऐसे स्क्वायर में आपको यहाँ पे 2 डाल देना है, जब इसको एंटर करोगे आपका यूनिक बन जाएगा ये, राइट। तो आपको यहाँ पर बोलना होगा सेट शॉप बाय पर्सन इज इक्वल टू माई क्रोम डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, राइट। और जो लास्ट वाला होगा हमारा यहाँ पे आने के बाद, यूनिकॉर्न क्रेजी पे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, आप इसको दे हुए, ये भी आपका बेसिकली वही है यूनिकॉर्न क्रेजी। हम इसमें सीधा सीधा वही करेंगे, ये भी आपका अगर आप यहाँ पे आओगे यूनिकॉर्न क्रेजी, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। ये भी बेसिकली आपका इसमें अगर आप देखोगे इसको यहाँ पे, तो आपके इसमें ये 2 आ रहे हैं, ये 2 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। तो हमारा जो है वो सेकंड वाला यहाँ पे आप चेक करोगे होवर हो रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट है हमारा, तो इसको हम पैरेंथेसिस में को फिर सेकंड टाइप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। कॉपी करने के बाद सेट यूनिकॉर्न क्रेजी इज इक्वल टू माइक्रोम डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, राइट। ये आपने जो है इसमें एलिमेंट जो है आपने डिक्लेयर कर दिए। इसमें सिंगल लाइन में भी आप कर सकते हो, या फिर आप 3 लाइन में भी इसको आप चूज़ कर सकते हो। ये हमने 3 लाइन में इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट्स हैं प्री लोडेड नहीं थे। इस वेब पेज पे जो एलिमेंट प्री लोडेड हैं, अगर एलिमेंट्स वेब पेज पे ऑलरेडी प्री लोडेड हैं तो आप उस केस में 1 लाइन ऑफ कोड से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, माइक्रोम डॉट एक्शंस, एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट पहले किस पे जाएगा, शॉप बाय कैटेगरी पे जाएगा, राइट, शॉप बाय कैटेगरी, देन डॉट, देन अगेन मूव टू एलिमेंट, किस पे जाएगा ये,
शॉप बाय पर्सन पे जाएगा राइट, देन डॉट डॉट देन मूव टू एलिमेंट, किस पे जाएगा ये, यूनिकॉर्न पे जाएगा, यूनिकॉर्न क्रेजी पे क्या करेगा, डॉट क्लिक डॉट परफॉर्म, दो एक्शन परफॉर्म करेगा वहाँ पे राइट। आप सिंगल लाइन कोड से आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट मी रन इट। हमारा जो है वेब पेज लोड हो रहा है, कहीं मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज होगा। Yes, it did. Let me run it again. Let me wait for here my Chrome. Not wait, let me wait for 3 seconds. Not here. हमने दोबारा रन किया इसको, अभी देखते हैं इट शुड वर्क नाउ। हियर गाइस, यहाँ पे आने के बाद इसने यूनिकॉर्न क्रेजी पे क्लिक कर दिया। दिस हाउ इट वर्क्स, मूव टू एलिमेंट, सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, फर्स्ट पार्ट है ये। अभी इसके 3-4 पार्ट्स अभी मैं और लेके आऊँगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।